अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे लिए जिंदा रहना होगा तुम्हें। Because I love you. सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैं पहले भी तुमसे ही प्यार करता था और अब भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुम हट क्यों गए? अनंत वो हम दोनों को अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूं लेकिन इस वक्त भी मेरा इबादत के साथ रिश्ता है, शौहर हूं मैं उसका। और जब तक मेरा इबादत से रिश्ता है ना, मैं किसी और से रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमसे कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले मुझे इबादत के साथ रिश्ते तोड़ना होगा। ठीक कह रहे हो सुभान, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें ये रिश्ता मैला करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी घर जाके सबको सच बताते हैं। तुम इबादत से तलाक ले लो और फिर हमारे रिश्ते पर कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा। चल सुभान, तुम रुक क्यों गए? चलो ना, तुम इबादत से रिश्ता तोड़ना चाहते हो ना? कोई ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरा दिल रखने के लिए वो? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद इबादत से दूर होना चाहता हूँ। पर क्या सुभान, जब तुम जानते हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, डरता हूँ। और मेरे डर की भी वही वजह जो तुम्हारे डर की है। तुमने इबादत की सच्चाई सब घर वालों के सामने क्यों नहीं रखी? क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं वो तुम्हारा वीडियो वायरल न कर दे। मेरा भी वही डर है, अगर मैंने इबादत से अचानक ही रिश्ता तोड़ दिया तो कहीं वो तुम्हारा वीडियो वायरल न कर दे। मान लेते हैं एक बार को मैं इबादत को रोक भी लूंगा, लेकिन अगर दुआ अम्मी को यह सब पता चल गया कि तुम्हारा कोई ऐसा वीडियो भी है तो उन पर क्या गुजरेगी? उनकी तबीयत वैसे ही खराब है। पर अगर दुआ अम्मी को हमारी वजह से कुछ हो गया ना, तो हम लोग जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे मन्नत। पर हमारी खुशियों का क्या सुभान? कि हम जिंदगी भर एक दूसरे से दूर रहेंगे, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। ऐसी बात नहीं है मन्नत। ऐसी बात है सुभान, ये मजबूरी तो जिंदगी भर रहेगी। तो क्या हम जिंदगी भर एक दूसरे से अलग रहेंगे? बिल्कुल नहीं अलग रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे। मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, क्या सोचता हूँ सबको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। जिस वीडियो को हथियार बना के सुभान के करीब आई थी, अब वही वीडियो जो सुभान से दूर रखने की वजह बन गया, वो वीडियो और अम्मी की तबीयत मेरे गले का फंदा बन गई है। क्या करूं? तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? सब सही कर दूंगा मन्नत, आई प्रॉमिस। एक ये वाला और एक ये जो डिजाइन्स है ना, ये लखनवी कारीगरी के नायाब नमूने हैं। इन्हें तुम बाकी डिजाइन्स के साथ मिक्स करके मत पेश करना। इन्हें इबादत इबादत। हाँ हाँ अम्मी। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं हूँ अम्मी, आप कुछ डिजाइन्स के बारे में। ये उदासी, ये उलझन, ये तुम्हारे चेहरे पर नहीं जचते। तुम मन्नत से हुई बहस को लेकर परेशान हो ना?
इतना मत सोचो, मन्नत तुम्हारी बहन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रिश्तों का लिहाज जरूर करेगी। वो तुम्हारे और सुभान के बीच में कभी नहीं आएगी। बात सिर्फ मन्नत की नहीं है अम्मी, काफी दिनों से मुझसे बात करना तो दूर, सुभान ने ढंग से मेरी तरफ देखा भी नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते को किसी की नजर लग गई है। नहीं मेरी बच्ची, कोई नजर बजर नहीं लगी है। मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच में ये धूप छाँव का मौसम तो बना रहता है। रिश्ते की रस्सी जितनी मजबूत होती है ना, उतने ही उसमें बल पड़ते हैं। ये नोक झोंक, ये लड़ाई झगड़े, यही तो शादीशुदा जिंदगी का कहना होते हैं। और जब ये खत्म होते हैं ना, तो शादीशुदा जिंदगी जैसे ठहर सी जाती है। अगर सुभान के साथ कोई नाराजगी है, जो भी गलतफहमी है, जो कुछ भी है, तुम सुभान से बात करके उसे सुलझा लो। बात ही तो नहीं कर रहा है सुभान। मम्मी मैं उसे क्या समझाऊं, कैसे पूछूं, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि सुभान तुमसे किसी बात को लेकर नाराज है और वो तुम्हें बताना नहीं चाहता। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें पता करना होगा कि वो किस बात को लेकर नाराज है और अपनी गलती सुधार लो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। क्या हुआ सुभान, तुमने कार क्यों रोक दी? मन्नत, तुम यहाँ से घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। पर क्यों? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई एक साथ देखे। घर में किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो काम का बवाल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्लीज वो जाने दो ना सुभान, हमारे पास रीजन है, जवाब है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। बेटर किस बात का, हमें तो सबको बता देना चाहिए कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अमित, मैं जो कह रहा हूँ प्लीज करो ना, सही वक्त आने पर मैं घर वालों को तुम्हारे मेरे बारे में बताऊंगा, जो मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ सबको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और प्लीज सर, जो कुछ भी तुम्हारे मेरे बीच में हुआ, जो कुछ भी बातचीत हुई, इस पर भी किसी को मत बताना। ओके सुभान, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम जल्द से जल्द सबको हमारे बारे में बताओगे और सबके सामने मुझे अपनाओगे। वादा कर। I promise. I love you, Subha. Take care. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।